वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। इस मुल्क में जागीरदार वजीर आजम बने, मजदूर को छत ना मिल सकी। सनतकार वजीर आजम बने, सनतें बर्बाद हो गईं। बैंककार वजीर आजम बने, इकॉनमी तबाह हो गई। खिलाड़ी वजीर आजम बने, खेल जवाल पजीर है। वैसे हमारे वज़ीरे आज़म हुकूमत में हों तो डॉक्टर और हुकूमत से बाहर हों तो मरीज़ से याद आया कि चल कर देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में माह रमज़ान में क्या चल रहा है। लेट्स सी। हामिद पुत्र, हाँ जी, बड़े अफसर किस टाइम आ सकते हैं? हॉस्पिटल की सफाई जी ना, ये बहुत अहम चीज़ होंगी है। वढ़ जाएगा थले। हाँ, तू कड़ा इंसान है, बंदर टाइप बंदा तू। सफाई पे जोर है। सफाई तो आपको पता है बहुत जरूरी चीज होती है, और खासकर हॉस्पिटल की सफाई। एक मिनट, चौथा आएगा। ये कौन साहब है जो हवा को भी काट रहे? विना जी, ऐसा मरीज होया जो लोहा खा जाता है, लकड़ी खा जाता है, मिट्टी खा जाता है, आटा खा जाता है, दीवारा खा जाता है, सीमेंट खा जाता है, ये कोई चीज सामने आए ये खा जाता है। ये जो मरीज है ना, ये ठीक भी हो जाए तो ये जा नहीं सकता। वजह? हॉस्पिटल वाले ने इधर तक तकरीबन कोई 56 लाख रुपया हो चुके हैं। हाँ बाबा, हाँ। मैं 2 दिन तो घर नहीं जा सकिया। क्यों? ये अन्नी का बच्चा मेरी गड्डी खा गया। और अगली साइड वालों खा गया, यानी कि स्टीयरिंग ही खा गया। की मैं चलावा हूं? हाय हाय, की मजेदार गड्डी सी, इंज लग रहा सी जिवें शीशे कीमिया ने गड्डी बनाई। 4 वेपर मेरे खा गए। देखो, हर बंदा ये दुखी है। मैं तुम्हें होर गल दसा। क्या? उदो मैं सोचा कि इन्हें फ्रंट वाली साइड तू अद्धी गड्डी खाधी है, पिछली क्यों नहीं खाधी? वजह? क्योंकि पिछे पेट्रोल वाली टैंकी सी। ओहो, पेट्रोल इनको पसंद है। इनू पेट्रोल तू नफरत है की। ओह, इस टाइम जिन्ना सामान तुम हॉस्पिटल नजर आ रहा है, ये मैं मिट्टी का तेल लुआता है। पेट्रोल से सैनिटाइज कर दिया आपने? हाँ जी, 2 लीटर से मेरी बीवी को मिले, वरना मैं खा गया हूं। डॉक्टर साहब, और तो और मेरा जायज भी खा गया ये सारा। पुत्र, ये बीमारी नहीं सी, ये बगैरती सी। तुम्हें पता है साइकिल स्टैंड हॉस्पिटल का, वो लक्ष्मी चौंक लो आया है। क्यों? परसों की गल, 6 साइकिल खा गया। और ऐसा अन्नी का बच्चा मरीज, साइकिल खाता है, पैडल खाता ही नहीं। उतने पैडल नहीं खिरले पैसे, जिम्मे बंब चलिया। हस्पताल की मैं परसों छोटी फ्रिज खाधी है। और तुम यकीन जानो, मैं फ्रिज खाने का जरा दुख नहीं होया। वजह? मैं न्यारी मंगाई सी, अन्नी के बच्चे ने वो पहले बाहर सुटी है, फिर खाधी है। मुहतरमा, यह दसो कि तुम कदों पता लगा कि इनू ये बीमारी है? जब इसने मेरी माँ की दीवी छुरियों का सेट खाया। मैं अपनी बीवी की खातर छुरियां खा गया। बीवी की खातर नहीं, तू भूख की खातर खाधी है। और की खाता बेटा इन्हें? मेरे शीशे के सारे बर्तन डब गए। आपके घर में तो कुछ भी नहीं बचा होगा। कख भी नहीं बचा, सारा कुछ खा गया है। एक मिनट, ये दस अपना, ये तू पहचानदा की मैं सारी चीजा? लो दसो, जिवें मेरे तो पहले थे को पहचान वाला तुम मिलया नहीं। और मेरे तो बड़े बड़े पचाऊ बैठे रहे थे। अच्छा, एक नाल कॉलम निगार भी है। इनकी बीमारी तो मुझे वैसे काफी अजीब लग रही है, ऐसे कैसे मुमकिन है कोई छुरियां और कांटे ही खा जाए? हाँ, इनकी बीमारी अजीब भी है और रेयर भी है, लेकिन मुझे हैरत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान वो चीज़ें भी खा जाता है जो एक्चुअली उसे नहीं खानी चाहिए। दैट कैन इंक्लूड एनीथिंग, जिस तरह की चीज़ें ये खा रहे, कांटे, छुरियाँ। तुम मैं रैम दिल लगते, तुम मैं किस तरीके ने ना अदर भेजो सेंधल, अड़ा सखर वाला नहीं पुल, लोहे वाला। आप वो पुल भी खा सकते हैं, मिस्टर टरारे। टरारे? टरारे भी एक हिस्ट्री में शख्स गुजरा है, फ्रेंच आर्मी में था। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो किस किस तरह की चीज़ें खाता था। कुत्ते, बिल्लियां, स्नेक्स। नहीं, वो बड़ा कमीना आदमी, इसमें ऐसा तक नहीं है। वो अगली स्टेज है, जाएगा उसे तक। बत बत बैल हमारा भी स्टेज तक जाऊंगा। हाँ बाबा, हाँ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, कल मैं लंच बॉक्स लेके आई करेले गोश्त का, और मुझे दुख हुआ। क्या? कि वो टिफिन ही खा गया। टिफिन ही खा गया? लेकिन करेले गोश्त नहीं खाया। वाह वाह। अच्छा, चंगी चीजें पता नहीं मना की थी उन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, टरारे की, उसको तो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करना पड़ी थी क्योंकि उसकी भूख ही इतनी ज्यादा थी कि उसको घर वालों ने निकाल दिया था। आपकी भूख कौन पूरी करता है? ओ, बैठी नहीं गई, घर की सारी चीजें खा गया, लेके फिर लोगों ने भी खा। ये सौरे की लकड़ की लाते, वो भी खा गए। अच्छा वीना जी, ये ऐसा पहला मरीज है जी मेरी नजर से गुजरिया है, मैनु ये दसो बीमारी का नाम की है? ये जो कुछ लोगों की अनयूजुअल एपेटीट होती है, जिसके अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स होते हैं और एक्सट्रीम हंगर होती है, उन्हें कहा जाता है पॉलीफेजिया। और इन्होंने पॉलीफेजिया है, इसको पॉलीफेजिया है। और जो टरारे था, उसको फ्रेंच आर्मी ने इसलिए अपने पास रख लिया था, उनका ख्याल था कि हम इसे वुडन बॉक्सेस में अपनी इंफॉर्मेशन जो होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इसको खिला दिया करेंगे
और ये जब एनिमीज लाइन क्रॉस करेगा तो जाके इसके स्टमक से हम वो निकाल लिया करेंगे। जहाज डिगन तो बाद जरा बक्सा लब रहे हैं ब्लैक बॉक्स। हाँ, इन वुडन बॉक्सेस को भी आप फ्रेंच आर्मी के ब्लैक बॉक्सेस कह सकते हैं। मैं परसों एक ब्याह ले गया, मैं जरा चलो इसकी तबीयत जरा सेट हो जाएगी, जरा बाहर दुनिया ने देखेगा कि दुनिया अच्छा की खांदी है। तो वलीमे तो ले गया इन मैं, फिर वाह फिर बैठ रही सारी बरात जिसे दिखाना पाना वो बर्तन ही नहीं लभे। उन्होंने दूल्हे से परचा कराता, अठ बराती है नाल, मेरा तो एदा नाम ही सानू थाने लै गए, जेल सुट दिता इन्होंने। मैं ऐसा मैं थानेदार की पता कौन नाल है। मैं उन्होंने क्या है गा? मैं तेरी मेहरबानी जान दे। उन्हें कहा मैं बड़े वेखे तेरे अर्गे डॉक्टर। मैं फिर इसकी सहूलत मैं क्या पुत्र तेरी लोड़ पै गई वाह। फिर इन्हें एक मिनट जेल ऐ खाधी है, हूँ उत्थे थाना ने स्नोकर क्लब बनाया, सारे पुलिस वाले ऐ बैठे ने, छत भी खा गया। वैसे इन लोगों की भूख मिटाना बहुत मुश्किल काम है। जो टरारे था, करारे मेरा साला सी जो हर गल में टरारे था, क्योंकि वो भी बहुत दिलचस्प कैरेक्टर था। उनका हॉस्पिटल में इलाज भी कराया गया था, जिस तरह से इनका इलाज हो रहा है, लेकिन वो छुप के हॉस्पिटल से निकल जाया करते थे और जो गार्बेज नहीं होता वहां से जा के चीजें ढूंढ ढूंढ के खाया करते थे, और इसके बावजूद जो उनकी एग्जॉस्टन थी, जो उनकी भूख थी, वो खत्म नहीं होती थी। मैं कहना लप लग रहा नर्स दा परसों ने तो गए दर्जन सरिंजा खवाइया ने। इस मरीज तू इना तंग है ना, इन्हें बाहर भेज सकदा ना, इन्हें रख सकदा। परसों मेरा सहुरा आया है, बेचारी लत्तां खराब ने, लैके नहीं टुटते ऐ करके एक कदम चुकया फिर अगे रखिया, फिर हाँ, वो जो रेस्ट हो वो इतने कितने रख बैठा है बस। उस बाद मेरा सोरा ऐ करके गया घर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना डॉक्टर साहब कितने ने जी? और लम्बे पै ने अन्ना होया, मैं नहीं बैठा इतने, चौधरी रहमान साहब ने भेजे है। अच्छा 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 चौधरी साहब, मेरा उन्होंने फोन आया सी जी, सिकंदर निकू आएगा, उन्होंने की रिपोर्ट दे दो महल च, तो उन्होंने रिपोर्ट ठीक नहीं हैगी। अच्छा जी, ऐ उन्होंने शुगर है, उन्होंने दस दी अन्नी दे आप बचे, उन्होंने किसी और चीज़ दे मंगाया आ, ख्याल नाल पेपर मुका के ना लै के जाइए। ये नकली रिपोर्ट है? नहीं 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 नहीं, असर पता की उन्होंने एक रिपोर्ट चौधरी साहब की ना, उन्होंने इतने कीते सन अपना टेस्ट, चौधरी साहब जाके दो, उन्होंने कहो जी आया रिपोर्ट आ गई। नहीं, ये जिस तरह की रिपोर्टें आप बना के दे रहे हैं, आपका निक नेम कहीं डॉक्टर अदरान तो नहीं है? चलो ऐसे पैर रखो, दो में रखो, ऐसा जो डॉक्टर साहब मेरे बंदे का कोई हल कढ़ो। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਾਉਣੀ। ਉਸਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਾਉਣੀ, ਐਡਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਾ, ਮੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਆਪ ਦੋਸਤ ਨਿਕਾ। ਓ ਆਪ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੰਗ ਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਗਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਨੋਈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। मैं तेरी पैड़ तेरे घर भेज देंगा। वो क्यों जी? तू मेरे ना वादा करके गया अस्पताल कि मैं तेन नवा वैसपा खुआवगा। साढ़े घर के बाहर एक लोहे की पौड़ी दे खलो के ना मजदूर रंग कर रहा है, थलो पौड़ी खा गए, अज तक लम गए उ। बेटे मेरी गल सुन, तुहाडा घर कित्थे हैगा? साडा घर डीएचए च जी। किन्ने मरले दा घर है? 13 मरले दा जी। पुत्र वो वेच के संत क्लीयर करो, असीं अगले बंदे नूं क्लीयर करना है, सुनो टीवी नूं क्लीयर करना है। सुनो टीवी का क्या नुकसान हो गया? तुहाडे पिछले दो खंभे खा गया, मैं नवे बनवा के लाए ने। पुत्र तेरे बनवीए नूं हो गया पोलोफेजिया। पोलोफेजिया होया ते इहदे ना फेजिया ते ना पोलो पोलो छित्तर मारो ते तां ठीक होना है। ओ चुप हो जाओ, चिप्स फिल्म दा हीरो आ गया जी। फड़ो फड़ो मरीज़े, फड़ो अपने मोटू मेरा पुत्र उठ बैठ जगह खुली छ लगा। तेरा बड़ा मसला है, तू बहुत सारी चीजें ऐसा पाई ने। डॉक्टर साहब It's for your safety. तुम्हारा नाम क्या है? इत्तेहाद। आ जाओ उधर उधर आ जाओ उधर आ जाओ। उठो, ताश में अस्पताल लौंदा। तो कहाँ होते आप?
बलालगंज मेरी इफ्तारी को करता हूं तक मैं पौना बलालगंज खा गया होना। डॉक्टर साहब क्या मैं हो जाओगे ठीक? नो प्रॉब्लम। विना जी ये डॉक्टरी पेशा जो है ना बड़ी हिम्मत की गल है। आप जैसा डॉक्टर हो ना तो वाकई मरीज की हिम्मत है। डॉक्टर साहब बातें छोड़े, मेरे पेट में गैस हो रही है। इन दो पेशेंट्स को डील करने पे ना आपको अवार्ड मिलना चाहिए। अपना शबनम जी सर, मेरा पुत्र ए गोली लेके आ। सर ठीक नहीं होंगे इन्हों दर्द का किस तरह ना करना? डॉक्टर साहब मैं आपका मुंह 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 पैसों से मार दूंगा। मुंह 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 चुप 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 चुप। विना जी ये बहुत तंग कर रहे, मुझे लगता है इसको आपको एनेस्थीसिया दे देना चाहिए। इन्हें मैं एनेस्थीसिया भी देता है, बल्कि मैंने दो चार मामा पेड़ा की गालां भी दी। बेहोश नहीं हुआ एनेस्थीसिया? ये दवाइयां दो नंबर भी आ रहे हैं, मरीज ने तुम जिन्ना मर्जी दे दो बेहोश होता ही नहीं। आपकी तरह दो नंबर जैसे डॉक्टर दो नंबर आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਐਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਐਟਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਆਪ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਸੇ ਵੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪ? ਉਹ ਸਰ ਆ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਤਾਓ। ਵੈਸੇ ਆਪਕੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੀਨਾ, ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਕਬ ਗਿਆ ਥਾ? एनेस्थीसिया को रादर इस्तेमाल करने की बजाय कह सकते हैं कि 18वीं सदी में ये डिस्कवर हुआ था। एक अमेरिकन डॉक्टर थे टी जी मॉर्टन, वो अपनी लेबॉरेटरी में कुछ तजर्बा कर रहे थे, कोई नई दवा बना रहे थे। अच्छा जी। तो उनका पालतू कुत्ता जो है वो उनके लैब में आ गया, तो वो जो फार्मूला बना रहे थे वो उनके हाथ से गिर गया, कुत्ते ने वो फार्मूला पी लिया तो कुत्ता उनका बेहोश हो गया। हो सकता है डॉक्टर साहब ने ऐसी हरकत की थी वो बेहोश हो गया। तो जब उनकी बेगम आई तो उन्होंने शोर मचा दिया कि भाई तुमने तो कुत्ता मार दिया है। ओए ओए बह के सुनन वालियां गल्लां। ਅਜੇ ਮੋਰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਭੰਨਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਨੇ ਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਕੁੱਟਣੇ ਤੱਕ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਹਾਂ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਰਟਨ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਉਸਸੇ ਗਲਤੀ ਸੇ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਜੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੋ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਟਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਟਨ ਕੋਲ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਮਾਰਟਨ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਰੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਜਬ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾ? ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤਬ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਥੇ ਉਨਕੀ ਜਾਗਤੇ ਮੇਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਯਾ ਫਿਰ ਹਥੋੜੀ ਸੇ ਉਨਕੋ ਯੇ ਕਨਪਟੀ ਕੇ ਪੀਛੇ ਮਾਰਾ ਜਾਤਾ ਥਾ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਬੀਨਾ ਹਮ ਯੇ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਏਕ ਹਾਥ ਸਾਥੀ ਦਰਿਆਫਤ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਬਰ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਸੁੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਰਟਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਬੀਨਾ ਜੀ, ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾਟਰਨ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਰਿਆਫਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਜਾਦਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਾਫੀ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ ਥੀ? ਕਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਬੱਕਰੀ ਚਰ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀ ਸੀਡਸ ਵੀ ਖਾ ਲੀਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਥੀ। ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਸ ਪੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸਨੇ ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਥਾ ਜਿਸਸੇ ਇਤਨੀ ਸੁਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟਿਮ ਹਟਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਕਾਫੀ ਕੇ ਸੀਡਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਖਾਏ ਥੇ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਐਸੇ ਬੈਠੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਪੀ, ਉਸਨੇ ਸੀਡਸ ਖਾਏ ਥੇ। ਨਮਕ, ਨਮਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਕੇ ਘੋੜੋ ਨੇ ਖਾਇਆ ਥਾ। ਤੂੰ ਪੜਵਈਆ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਕੋ 15-20 ਤਾਲੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਇਧਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੋਈ ਲਈ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਜਾਣਾ? ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਸ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ, 3-4 ਖਾਲੀ ਸਲੰਸਰ ਵੀ ਫੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੇਫ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਪਤਾ ਥਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਜੇ ਖਾ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਸੀ ਭੂੰ ਭੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
यार वो हजम करना बड़ा औखा डॉक्टर साहब, वो जो आखिरी उन्हें कितने पा वो मेरा हौसला से हजम कर गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। खुशबू आ रही बेटे किथे देगी लोया, मैं सारा स्प्रे किया है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ, और फातिमा बताएंगी कि आज खबर क्या है हमारे पास। खबर है कि चचा के घर चोरी करने वाले को मुखबिर तोते ने पकड़वा दिया। मुखबिर तोता कैसे हो गया? तोते बड़े अच्छे मुखबिर हो सकते हैं, जिस तरह कबूतर बड़े अच्छे पैगाम रसा होते हैं। कुत्ता बड़ा अच्छा सूंघता है। हाँ। खान साहब पहले दौर दे तोते होंदे सी लेकिन थत्थे होंदे सी। जिस तरह ये आपने खबर बताई है कि तोते ने जो है वो मुखबिरी की, तो इसी तरह एक तोता था जो कि पुलिस के आने की इतला दे दिया करता था। खानदान ऐसा क्या करता था? नहीं, वो एक ड्रग लॉर्ड के पास होता था। अच्छा। वो तोता फिर वो मुकाबले में मारा गया बकायदा। मैंने भी एक वीडियो देखी। इसी तरह मैंने भी एक वीडियो देखी। कौन सी? आपने कौन सी देखी? मैंने बुलबुल वाली। मैंने तोते वाली। आपकी बुलबुल क्या करती थी? देखिए, जिस शख्स ने उसको पाला था वो उससे चोरियां करवाता था। नहीं, मेरा जो तोता था ना जिसको मैंने देखा था, उसने तो एक छोटे से बेबी की जान भी बचाई थी। फ्रांस में ऐसा हुआ था कि बच्चे की माँ किचन में कहीं पर बिजी थी और बच्चा जो था वो क्रॉलिंग करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, तो तोते ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मामा बेबी, मामा बेबी। सो दिस इज हाउ पैरट रेस्क्यूड। बिना तोतों पर तो बहुत मजे मजे की मिसालें भी बनी हुई हैं। हाँ, जैसे वो मुहावरा है, तोता चश्म होना मतलब आंखें बदलना। अफतारी का सामान देखते ही लाला तोता चश्म होगा। नहीं उकाशा, ये तो आपने कोई बेकार सी मिसाल दी है मेरे हवाले से। मैं बड़ा कर्टियस सा बंदा हूँ और बिना मैं चाह के भी बेदीद नहीं हो सकता। आपको पता है आप बहुत ज्यादा बेदीद होते हैं, आप पॉज नहीं लेते और बाकी आर्टिस्ट का हक मारते हैं। और लाला इतना ओवरलैप करता है कि गले के तोते उड़ जाते हैं। और तो और लाला के ड्रैगपन का तूती बोलता है इसको। बिना एक और भी बड़ी मिथ मशहूर है कि तोता जिस फल को टुकता है या बाइट करता है वो मीठा हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि तोता होता ही बहुत इंटेलिजेंट है, वो असल में बाइट ही उसी फल को करता है जो मीठा होता है पहले से। अबू बकर साहब ने जलेबियां ले आनिया तो फिकियां सी। अच्छा। तोते को दंडियां बढ़वा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खबर जो है उसकी क्या तफसील है? ये वाकया मोहाली में पेश आया है जहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई, तो पुलिस ने तोते को भी, क्योंकि जब चोरी हुई तो तोता घर में मौजूद था, उस शख्स का तोता था, तो उन्होंने उसको भी शामिल तफ्तीश किया। तो पुलिस ऑफिसर का कहना है कि वो 5 दिन तोते के साथ रहा। अच्छा, मुझे ये हैरानी होती है कि इन कंट्रीज में मतलब किसी भी जानवर को आप शामिल तफ्तीश कर लेते हैं, इतना यकीन होता है जानवर पे? नहीं, उसे पता होगा ना, ऑफिसर समझदार होगा ना, उसको पता होगा कि अगर तोता घर पे है तो तोता एक जहीन जानवर है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑफिसर ने फिर बाद में बताया कि 5 दिन मैं उस तोते के साथ रहा, और जब शनाख्त परेड हुई तो जो आदमी था जिसकी चोरी हुई उसका नाम हरीश था, तो हरीश के सारे रिश्तेदारों को भी उस शनाख्त परेड में शामिल किया गया। तो जब उसके भतीजे की बारी आई तो तोते ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। एंड दिस इज हाउ ही गॉट अरेस्टेड। अपना दीदी जब साडे नाल गल ही करनी हैगी तो सानू दसो ही मोहाली वापस टुर जाइए। ओ, इतने दूर से आए आप? हरीश लाकड़ा मेरा नाम है। ओ अच्छा, आप हैं जिनके घर चोरी हुई है? मैं करना कलयुग आ गया, हुण भले दा दौर ही नहीं रहेगा। देखो ना, मेरे घर चोरी हुई है, भतीजे ने कर ली। आखा वेखो, आखो करने वाली गल है कि भतीजा चोर निकला है। हरीश साहब एक बात तो बताए, आप अंदरून मोहाली से आए हैं? ਅੰਦਰੂਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਚੀ ਗੇਟ ਆਏਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹਰੀਸ਼ ਲਾਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਐਮਟੀ ਸੀ। ਐਮਟੀ? ਇਹ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤੋ ਹਫਤੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਏ, 10 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੜਪਾ, ਚੋੜੀ ਸੀ ਹੀ ਤੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ,
मैनू शर्मिंदा कर दिता, मैं किसी मुंह भी खान जोगी नहीं। ये आपका बेटा है? पुत्र है मेरा। आका भगवान जानदा मैं तोता पालिया नाल है खोता पालिया। चोरी की क्या अंकल, आपके घर से क्या क्या चोरी हुआ? ते ते बन्ने ही नहीं है, आका नहीं मन्ने है। ऐसे जो लगनदास हुई आए ने। लगनदास? इन्होंने क्या तेरू कहते शक? मैं कही मेरे शक है ही नहीं। बढ़िया चीजा चोरी हुई है, मैं कभी किसी दसिया नहीं। घड़ी चोरी हुई। चाचा तेरा घर सी है तोशा खाना। महंगी घड़ी थी। महंगी घड़ी मैं गया ना बाहर तोहफा मिलया ही मैनू। है एडा टू मोहम्मद बिन सुलमान दा दोस्त। अच्छा इहो जिहा तोता गर्दन घुमाउंदा ना ते नाड़ चढ़ जांदी उत्थे ही एंज हो जांदी। अच्छा वैसे तोते बदतमीज बहुत होते हैं ना? नहीं 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 ढीठ भी होते हैं। अच्छा जी अबू बकर साहब तीरा तोता होंदा। नाले ने एक तोता रखे उहदी गानी अजे शुरू होई ते इहने लॉकेट बन्ना दे दित्ता। और लाला ने इतनी लंबी गुफ्तगू की उसके साथ कि उसने अपनी गानी से ही फांसी ले ली। योहानन हमारे साथ इंसाफ किया जाए। भाई साहब आगे बताइए कि आपने 5 दिन तोता रखा साथ अपने, उसको क्या खिलाते रहे? मैं उन्हें हरिया मिर्चा नाल उन्हें मिश्री पी के उन्हें मैं खवाता रहा। तो आपने खुद क्यों नहीं कभी खाई? इसने ना लालच दे के चक्कर दे के टोटे से सारी बाट उगलवा ली है। कैसे चक्कर और लालच? वो एक टोटी को बिठा के ना सामने तो दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे थे। मैं देख रहा था थाने में से सारा कुछ। इसने सारा कुछ उससे गुलवाया। यू ऑनर मैं झूठ नहीं बोलता। हां ठहर जा, जड़ी अदालत तू बनाई है पीछे डंडा नहीं देखदा? इहो जे पुलिस वाला कहंदा हुंदा बाहर देखो लड़ाई रुक गई है, मैंने घर जाना। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਪਰਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮਾਂ ਮੁਝੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਗੰਧ, ਅੱਜ ਕੇ ਬਾਅਦ मैं चोरी नहीं करूंगा मम्मा, नहीं करूंगा। कि जब आप चोरी कर रहे थे आपको तोते का ख्याल नहीं आया कि वो सारा राज आपके चाचा को बता देंगे? इधर लगा चूदा पैर थले आ गया। बड़ी लाडली की गुड़िया मैंने तुझे मोगे चाचा। ये जो आप मुझे बातें लगा रहे हैं ना, मुझे लगता है आपके पास बस पुलिस की वर्दी है, थाना अभी तक आपको मिला नहीं। वाह जी वाह। अभी तो तोते की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी ना। भारत में एक तोते को जेल भी हो गई थी क्योंकि वो खवातीन को हरासा करता था। और शिकायत किसने की थी भाई? दबे एक 80 साल खातून ने कि मुझे छेड़ता है। तोते का सबसे अच्छा इस्तेमाल जो मैंने होते हुए देखा वो ये है कि वो फाल निकालने वाला बेहतरीन। नहीं गाल कटने वाला भी बड़ा अच्छा। तोते ने लाला के बारे में एक दफा फाल निकाली कि ये बड़ा होके कभी पॉज नहीं लेगा। तोते ने एक दिन लाले ने थप्पड़ भी मारे ने। चूरी उन्हें खुआन लगा, कहना खा चूरी खा भी ले, कब खाएगा? उन्हें कहा मामा चुप करेगा तो खावांगा। सभी ना वैसे तोतों को तो काफी मूवीज में भी शामिल किया गया है, लीड रोल्स के साथ भी। हाँ तोतों के ऊपर बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। सम ऑफ देम आर कैप्टन फ्लिन, अलादीन और मैं प्रेम की दीवानी हूँ। और एनिमेटेड मूवीज भी बहुत बनी है इन पे। और रियो कितनी मजे की है, वो तो बहुत जबरदस्त। हरीश साहब आपके घर में मशगले क्या है, क्या एक्टिविटीज करते हैं आप? नहीं मशगले मैं बाहर जा करना, घर से मैं सादा ही रहना। हरीश साहब अब भतीजे को क्या सजा देंगे आप? अच्छा सजा ये नहीं देंगे, एक मिनट, सजा आपका काम नहीं है, वो कानून डिसाइड करेगा। वो आपको लग रहा सजा देंगे? एहो जा पुलिस वाला अपने ही हवाला ची बैठ जाता कि खाली अच्छी नहीं लग रही। मेरे को कोई तोता नहीं लुकया, मैं दुनिया का हर तोता देखा। काका पो देखा? अच्छा बिना मैसेज, जो काका पो है इनकी स्पेशलिटीज क्या है? काका पो पैरट्स की वो ब्रीड है जो कि उड़ नहीं सकते हैं, which is like you know quite surprising. यानी माजूर तोते होते हैं? नहीं इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। तोते का अपना वेट ही तकरीबन 2.5 से 3 kg होता है। और उम्र इनकी तकरीबन 90 to 95 years। कितने साल का तोता सी? 95। ओए होए नु ते ऐनक लग गई होनी फिर। इधर देखना जी, आहो लग गई है। मेरा तोता भी काका पोए। ओ काका पोए ये। मैं ठेके तो आधा लाके ते इथे लाया। अच्छा ते मैं टुरया, उन्हें मेनू कहा गली बदल ला काका पो अगे नाका पो। शादी नहीं हुई ताडे काका पो की में हो गया। अज तो साडे घर 40 मन दा पटाका पो। तोते ने बड़े बड़े इंकशाफ किए इस मालिक दे बारे। क्या क्या इंकशाफ? ये लोगों दी छतां ते खलो के सीढ़ियां मारदा। ओए और लोगों दी कुड़ियां हांडी पकाउण दियां उत्तों झाकदा। ए भगवान ते भगवान, लोगों दी वीडियो लीक हुंदी, मेरा तोता लीक हो गया। मस्तियों में वक्त हुआ एक ब्रेक का। Welcome back to Mastiyan.
वैसे तारीख जिसे विलन पोर्ट्रे कर दे, लोग उसकी शख्सियत के मस्बत पहलू देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो लोग मर्जी की तारीख लिखवाते हैं, जिसे कहते हैं तारीख रकम करना। तारीख के कुछ ऐसे किरदार जिन्हें सुनते साथ ही जहन में कत्लो गारत और जंगो जदल का नक्शा आता है, मगर उनके भी तो जज्बात थे, दोस्तियाँ भी करते थे और मोहब्बत भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस ज़माने में ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक नहीं हुआ करती थी। चंगेज़ ख़ान भी तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसके जुल्म को ज़माने ने याद रखा मगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर दिया। वैसे चंगेज़ ख़ान की फतूहात की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन इस अजीम फातह को दोस्ती और मोहब्बत में बहुत सारे दुख भी बर्दाश्त करने पड़े थे। हमारे साथ मौजूद हैं जमी स्टूडियो में चंगेज़ ख़ान और उनके मुँह भोले भाई जमो का। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत मेहरबानी वीना जी, तुसी मेरा तारफ कराया दुनिया नू। ये चंगेज़ ख़ान है जी। अजय मैं कोई गल की थी। ये पंजाबी नहीं, पहले तू बकवास करन दे। मैं पहले उन्हें तारीफ तो कर लेंदे पुत्र के उन्होंने जरा तारफ कराया मेरा सही कराया है। उन्होंने दसिया है कि इस बंदे की जाती जिंदगी कोई जानता नहीं। हम जानना भी नहीं चाहते भाई जी। बहन जी यही तुम्हारी गलतफहमी। चलो गलत गल पूरी, अब तुम बकवास नहीं करनी क्योंकि इस वास्ते कि तुम साढ़े कबीले से लगते हो, अगर तुम ततारी नहीं ना तो ढाड़ी जरूर हो। यह मेरा छोटा बिरा जमुकू। ना तलवार की धार से, ना शेर की दहार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ऐ जिहड़े भाई साहब बैठे ने जमोका साहब, जमोका इन्हें अपनी बांह ते लखाया, मिलते जुलते जमोकों से जमोका ना खाए। मैं तेरा तारफ करा देना, ये शायद जानते नहीं, ये टिपा सलार भी है, मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। बहुत सारे फनकारों दी टोना आंदियां ने। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि हमारी टीम से कुछ गलती हो गई है, क्योंकि ये साहब तो चनियोट से लग रहे हैं और वो राजकुमार से इंस्पायर्ड हैं, एवरन्यू स्टूडियो के लग रहे हैं। एवरन्यू स्टूडियो दे नहीं, ये खावर साईं दी मंगेतर है, मंगनी टूट गई है, दाढ़ी रख। छड़ दे पुत्र, मैं पता जवाब मैं ही देने ने। तू रिलैक्स रहना है। देखो मेरी गल सुनो वीना जी जी, तुम साडा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं तंदूर तो उठ के सीधा इतने आ गया। इन्ना पैसा अपने के ला लिया, एक परांदा भी नाल ले देना। दरअसल वीना जी, हम ब्लड ब्रदर्स हैं, यानी खूनी भाई। नहीं, ब्लड ब्रदर्स आप कैसे हो सकते? इन्हें 700 दी ब्लड दी, उन्हें बोतल देती। ब्लड ब्रदर्स तो उनको कहा जाता है ना जिनका खून एक हो, यानी कि एक ही माँ बाप से हो। आप दोनों ने तो एक दूसरे का खून एक बोल में मिक्स करके पिया था ना। एक बार पीता मैं, इधर ओ पॉजिटिव ग्रुप सी, मेरा ओ नेगेटिव सी। तो फिर क्या हुआ? मैं क्रॉस पे आ गया, मैं बेहोश हो गया। होश कैसे आई आपको? वीना जी एक रिक्वेस्ट है की जी, मैं एडा भी तगड़ा चंगेज़ खान, इधर एसी घट करा सकते हो? ये तो मेरी वखी लै गया नीदा बच्चा। लेकिन आप पे तो सर्दी गर्मी असर ही नहीं करती थी। होंदा ही नहीं सी। हां देखो मेरी गल सुन, जिन्नी जंगा मैं लड़ियां ने, हां इनिया चौधरी दे कुकड़ने ने लड़ियां। वो हर साल लड़ता है, मैं साल 900 बारी लड़दा। ये जंगी जुनून आप में कहां से आया? ये खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे, मतलब इतने वहशी क्यों? असल में वीना जी, ये आर्ट से लव करने वाला बंदा है। जमोकू पुत्र, मेरी गल सुन, तेरी मेरी रस्ते की गल हो, इसी सवाल तेन होगा तू जवाब देगा, मैनू होगा मैं देंगा। गल है कि उस पेंटकार है खराब है कि ते गोलगप्पे खावे। ओ तू बकवास ना कर, एक तो तू दूर बैठा है, मेरे तक आवाज आनी तेरी थत्थी हो जाती। ए गुस्से दा बहुत बड़ा हैगा। इस तरह इन्हें 8-9 तलवारां तोड़ियां ने गुस्से च। लेकिन अभी तक पिछले सवाल का जवाब नहीं मिला कि खून मिला के पीने की क्या वजह थी। असल में हुआ ये था कि जमोका ने इनकी जान बचाई थी, तो उसके बाद इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी और वहां से इन्होंने फैसला किया था कि ब्लड ब्रदर्स बनेंगे। पता है जंगा से जीतियां कीवें जीतियां ने? कैसे जीती? बो वाले कपड़े नहीं पहनना। हां हमनी फौज नु 300 किलोमीटर पहले पता लगा ततारी आ रहे हैं। ये इस कदर सफाक शख्स था कि घंटों के हिसाब से लाखों लोगों को मरवाने का ऑर्डर किया करता था। अच्छा कोई एटम नहीं सी कर रहे, ये भी सर्दी लग रही है। मेहरबानी एनु जरा घट करा दियो। नहीं, वो सरदार साहब को ज्यादा गर्मी लगती है, उनके लिए है। केड़ी गर्मी तो चढ़ी है भाजी? आप पीछे केमियाई चीजें पई हैं। जो के वर्ग का बंदा ना टोन रख के फिर दिल च लान तो बारे दा लख लान तेरे ते टोन रखी दियो। ये 9 साल की आपकी उम्र थी और आप शादी करने चले गए, ये उम्र तो खेलने कूदने की नहीं होती। साडा मंगोल कबीला है, छोटी उम्र ब्याह आ जाता है। मेरा 2 साल में हुआ था। एदा 2 साल है, एडा या भाई जा रहा है ब्याह कराने हैं। माना पूरी बरात पीछे दे यार छोटे छोटे हो भी। डेढ़ फुट दे। करवाला कितना था? वो तो जेब च पाया सी। लाड़ा जड़ा कीड़े ते बैठा सी। एडी निकी निकी जंज गई है, निकी निकी। और मिलनी बड़ी सोहनी हुई है। हर बराती नु एक एक पैंपर नाल एक एक फीडर। अच्छा जी, गाने भी गाए सन।
मगोलां दा प्यारा मेरे दिल दा सहारा वीर मेरा कीड़े चढ़े आ देखा ना तलवार निकली नहीं जोर लगाया था जूं करके तो तेरी फंस गया तलवार निकली बैठ जाओ अच्छा जी ओ तेरी 8 घंटे बारात लेट हो गई वजह क्या बनी अंधेरी चल गई कीड़े समेत उड़ गया ਕਿੱਦੇ ਬਰਾਤੀ ਗੁਆਚ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸੁੱਟੋ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇ ਹੋਈ ਥੀ ਨਾ ਆਪਕੀ ਬਾਰਾਤ ਕੈਸੇ ਗਈ ਥੀ ਇਹ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਥੇ ਮੂੰਹ ਇਨਕਾ ਘੋੜੇ ਪੇ ਥਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਨਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਨਾ 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 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਓ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਜਮੁਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਬ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਗਏ ਥੇ ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਥੀ ਤੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕੀਆ ਆਪਨੇ ਵੇਨਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਉਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀ ਉਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉਹ ਤਗੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਡ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਤਨੀ ਦੋਸਤੀ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਆਪਕੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਪੇ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗੋਲ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਰੀਆਂ ਜਗਾ ਰਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਣ ਦਾ ਮਨਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਸ ਫਿਰ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਾਲਟੀ 'ਚ 8 ਸਾਲਣ ਪਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਫੇ अच्छा अपनी पहली मुलाकात का किस्सा तो सुनाए ना हमें जरा मुझे आज तक याद है दिसंबर का महीना था सुहानी शाम मंगल की मेकअप रूम दे ने शीशे के खलोके हुए जब बंदा कसून मार रहा क्यों यार गेटअप ने मत मारी मेरे को चंगी गल हुई ही नहीं अच्छा इतनी मोहब्बत हो गई आप दोनों में लेकिन इन लोगों की लड़ाई फिर एक घोड़े पे हुई क्योंकि जमोका के भाई ने चंगेज खान का घोड़ा चुरा लिया था जरा सी बात पर बरसों के याराने गए और जमोका के भाई को इस बात पर चंगेज खान ने कत्ल कर दिया करना सी भाई मैं ओ घोड़ा तुम पता है मेरे लकी बड़ा सी घोड़ा क्या था उस घोड़े में ऐसा जदों जंग ते मैं जांदा सी माना जी पता लगता सी ना चंगेज खान आने लगता मैं लेके बच जांदा सी ਕੱਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਛੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਮਿਨਾਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕੋ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਨਕੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਥੀ ਤੋ ਉਸਮੇ ਜਮੋਕਾ ਨੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਕੋ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜਬ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਜਮੋਕਾ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਆ ਥਾ ਤੋ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਕੈਸੇ ਮਾਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਮੋਕਾ ਵੀ ਮੁਸਰ ਥਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੋਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰ ਟੁੱਟਨੇ ਸੇ ਮਰਾ ਥਾ ਇਸੇ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਵੀ ਆਪਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁਗਲ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਹਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤਮੋਜਨ ਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੀਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਮੇ ਲੇਤੇ ਲੇਤੇ ਆਪਨੇ ਪੂਰੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਥਾ ਜਬ 3 ਅਰਬ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਤੇ ਥੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਨੇ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਥਾ ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਉਸਕੋ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਥਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿੱਚੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੰਨ ਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੀਵਾਰੇ ਤੇ ਪਰ ਜਮੋਕਾ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਉਤਰੇ ਕੀ ਕਰਤੇ ਜਮੋਕੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਨ ਤੇ ਇਨਕੇ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੇ ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੰਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਥਾ नील आर्मस्ट्रांग उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहा है व्हाट डिड यू से बहुत फिर दो माने उथे चंद ते ओ एटमा कीतियां एडियां फिकियां जुगतां कीतियां इने नील नु नील ने इनु अम्मा ने चरखे समेत तू छाल मारती और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़